एथिक्स मतलब नैतिकता, मोरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ रॉन्ग एंड राइट, या यूं कहे कि प्रिंसिपल फॉर प्रॉपर कंडक्ट। ज़्यादातर टर्म की तरह ही एथिक्स टर्म भी ग्रीक वर्ड इथॉस से डराइव की गई है, जिसका अर्थ होता है कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर या डिस्पोजिशन। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और कंडक्टिंग एन एक्टिविटी मीन्स नैतिक आचार विचार और कार्यों के ऐसे सिद्धांत जो कि बेसिकली गुड एंड एविल, राइट एंड रॉन्ग, वर्च्यू एंड वाइस और जस्टिस एंड क्राइम के कंसेप्ट को क्लियरली डिफाइन करते हैं। सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स को भी एथिक्स ही माना जाता है एंड इट इज़ हाईली कंसर्न विद वॉट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल, हिज हर ड्यूटीज, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज एंड सोसाइटी। अब तक आपने जाना कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। चूँकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि यह ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या फॉरेंसिक साइंस या इस फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी ऐसे एथिक्स या मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं? बेशक, ये इन सभी महानुभवों के लिए भी समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा इंसाफ का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और जोखिमों से भरा होता है, जहाँ किसी भी व्यक्ति का ईमान डगमगाते देर नहीं लगती। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एथिक्स से जुड़ी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट और फॉरेंसिक से जुड़े प्रोफेशनल्स को फॉलो करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वरना हो सकता है आप कुछ खास पॉइंट्स मिस कर जाएं। डॉक्टर ओपी जासूजा ने अनिल अग्रवाल्स इंटरनेट जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के वॉल्यूम 2 इशू 2 दिसंबर 2001 में पब्लिश्ड अपने एक आर्टिकल जिसका टाइटल था एथिक्स इन फॉरेंसिक साइंस में लिखा है कि करंट टाइम में देयर हैज़ बीन अ रैपिड मॉडर्नाइजेशन एंड दिस हैज़ बाउट अमंग ऑल एंड सन्ड्री अ विल टू अचीव सक्सेस बाय एनी मीन्स रेदर दैन टू वर्क एथिकली। दिस इज ऑल्सो ट्रू अबाउट लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज लाइक पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट। द पुलिस इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द केस रेदर दैन अराइविंग एट द ट्रुथ। इसी तरह अ फॉरेंसिक प्रोफेशनल और अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट मे वॉन्ट टू ओवर इंटरप्रेट हिज हर फाइंडिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर सक्सेस रेट। सो टू इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज, ईच फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइडर मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोड एंड एथिक्स। Number one, a forensic scientist should always remain truthful and accountable to the justice, to nothing else but justice, since it is the court that pronounces the conviction or acquittal after considering and examining all aspects. Thus, forensic scientists should always help and facilitate the justice through court. Second, a forensic scientist should always avoid tampering, adulteration, loss or unnecessary consumption of evidentiary material. A forensic scientist should always form its independent opinion without any prejudice or bias towards accused or police. Number four, they should not render conclusions that are outside one's expertise. Next is, a forensic scientist should avoid the participation in the cases related to personal, financial, employment-related conflicts and should not care whether the report is going in favor of police, accused or against any one of it. Next one is, a forensic scientist should
Honestly and scientifically analyze the physical evidences and infer its opinion on the basis of established scientific principles and facts. Number 7, a forensic scientist must use all possible scientific methods to confirm the results obtained by a particular method. He or she should maintain proper records of scientific analysis and should form final opinion by critically analyzing all results. Such scientific records may be presented to the court if required. Next one is, always present a complete and accurate data in the report, presentation and testimony based on the good scientific practices and validated methods. Next one is, a forensic scientist should never accept any allurement of any kind from anybody for tendering the opinion. Means pralobhan lene se bachna chahiye. Next is, the reporting should be done through a proper channel to all scientific and legal parties. As the science and technology are growing in a very fast pace, crime is also increasing with new trends. So it is the need of current time that a forensic scientist should pursue professional competency through training, proficiency testing, certification, presentation, and publication of research findings. Last, but I think the most important, a forensic scientist must be committed to continuous learning in the forensic disciplines and stay updated about new findings, tools and technologies. तो दोस्तों, ये कुछ important points जो कि work ethics especially forensic science से related थे, जिनका forensic scientist और forensic professionals को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय ईमानदारी और निष्ठा से पालन करना चाहिए। क्योंकि criminal justice system के अंदर forensic science और इस professional में काम करने वाले लोगों पर भारत के अरबों लोगों का विश्वास कायम रहे, न्याय व्यवस्था एवं कानून पर विश्वास बना रहे, इसके लिए एथिक्स को फॉलो करना या उनके अनुसार काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह विश्वास उन बेगुनाह लोगों के लिए सहारा है जो कि कई बार बेवजह जबरदस्ती किसी आपराधिक घटना या क्राइम में घसीट दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका घर, परिवार, सपने और यहाँ तक कि पूरी जिंदगी यूं ही तबाह हो जाती है। क्योंकि कहा गया है, 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल फॉरेंसिक एड पर, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर के जरिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट्स में अपने सुझाव या समस्याएं जरूर बताएं, ताकि अगले एपिसोड में या जब भी पॉसिबल हो मैं उन सभी समस्याओं, सुझाव को जो है अमल में ला सकूं और उस हिसाब से बेटर कंटेंट आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।